केदारनाथ जा रहा एयरफोर्स का कार्गो हेलीकॉप्टर रुद्रप्रयाग में क्रैश हो गया है। MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश में 6 लोग जख्मी हुए हैं। हेलीकॉप्टर आर्मी का सामान लेकर केदारनाथ जा रहा था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर क्रैश की। 6 लोग हमने आपको बताया इसमें सवार थे, सभी जख्मी हुए हैं। इस वक्त की अहम खबर यही है। हरेंद्र नेगी हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। हरेंद्र, क्या अपडेट है? नंदिका, मैं बता दूं कि सुबह ये जो 17 जो जासा है, MI-17 जो जासा गुप्त काफी जानकार थे, ये सामान लेके केदारनाथ जा रहा था और 10 मिनट इसको उड़े हुए थे कि जानकार से और केदारनाथ की जो दूरी है वो हेली सेवाओं की वो 10 से या 12 मिनट तक ही होती है। जैसे ही ये हेलीकॉप्टर हेलीपैड की ओर जा रहा था वैसे ही ये क्रैश हो गया। इसमें जो 6 लोग थे वो जख्मी हुए हैं। जब जो सूचना प्राप्त हुई है निम के सूत्रों से तो उन्होंने बताया है कि 6 लोग इसमें सवार थे, ये सामान लेके जागदार से केदारनाथ आ रहा था और ये सुबह की घटना है, 8:15 बजे की घटना है। जैसे ही ये हेलीपैड के नजदीक आया वैसे ही क्रैश हो गया। तो अभी तक 6 लोग घायल हुए हैं। पूछी अभी जो सूत्रों से जो सवाल है सूत्रों से की हवालों से जो जानकारी मिली है उसमें 6 लोग थे, सामान लेके जा रहा था, घायल है, घायलों को निकाला जा रहा है। अब उनको कहाँ भेजा जाएगा, जो ज्यादा जख्मी है कैसे है इसकी पुष्टि अभी जिलाधिकारी ने नहीं की है, क्योंकि केदारनाथ काफी दूर है और केवल हेली सेवाओं से ही वहाँ अगर किसी को उपचार के लिए लाना है तो हेली सेवा ही वहाँ भेजी जाएगी और उसके बाद उनको घायलों को लाया जाएगा। किस तरह से ये कारण होगी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि कैसे किस कारण से ये, क्या विजिबिलिटी कम थी, क्योंकि केदारनाथ में जो पल पल मौसम होता है वो बदलता रहता है, कभी बारिश होती है, कभी बर्फबारी होती है, कभी फॉग हो जाता है। तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ कारण हो गए कि किस तरह से ये घटना घटी, क्योंकि हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही MI-26 से भी वहाँ सामान गया है, 17 से भी सामान गया है। तो निश्चित तौर से कुछ न कुछ दुर्घटना ये घटना घटी है और उसके कारणों की पुष्टि अभी जब जिलाधिकारी से बात होगी कि किस कारण से ये हुआ है उसके बाद ही पता चलेगा। जी नवीन, बिल्कुल हरेन, तो बेस कैंप से संपर्क में होंगे। जैसा कि आपने बताया कि सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए ही जल्दी वहां पर पहुंचा जा सकता है, तो कोई रिलीफ हेलीकॉप्टर वहां पर भेजा जा रहा है इन लोग को वहां से लाने के लिए? निश्चित तौर अभी जिलाधिकारी से क्योंकि लगातार फोन चल रहे हैं लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हमें जानकारी प्राप्त हुए और हम अपने दर्शकों देश दुनिया के दर्शकों को दिखा सकें कि केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, कौन से लोग उसमें सवार थे, कहाँ के लोग थे और जो एयरफोर्स के लोग हैं वो कितने लोग थे, ये तमाम तरह की जानकारी जैसे ही हमें सूचना प्राप्त होती है और जो विजुअल हमें प्राप्त होते हैं वो हम आपको दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह से ये घटना घटी है, कब की घटना है, क्यों है, कैसी घटना किस तरह से हुई है, ये जी जरूर बताएंगे। जी जरूर। तो 6 लोग जो इसमें सवार थे इसमें पायलट को पायलट भी शामिल है? जी 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 जी, पायलट भी इसमें शामिल था और जो जो इंजीनियर है वो भी उसमें शामिल था और सुबह सुबह की करना ही जानता जो गुप्त काशी के पास में जहाँ वहाँ जो हेलीपैड में जो सामान जाना था वहाँ से उड़ान भर के वो सामान वहाँ से केदारनाथ के लिए ले जाया जा रहा था और सुबह सुबह की करा 6 लोग इसमें।